नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ रेनु माथुर। मशहूर टीवी शो बिग बॉस में आने के बाद से ही भजन सम्राट अनूप जलोटा चर्चा में आते रहते हैं। अब उनकी दूल्हे के अवतार में तस्वीर सामने आई है। जी हां, आखिरकार दूल्हा बन गए हैं अनूप जलोटा। दुल्हन देखकर आप भी रह जाएंगे हैरान। भजनों के अलावा बीते कुछ सालों में अनूप जलोटा लगातार सुर्खियों में रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा कर डाला है कि उनकी चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स की माने तो अनूप जलोटा दूल्हा बने हैं और दो लड़कियां मालाएं लिए उनके लिए पास खड़ी हैं। असल में अनूप जलोटा एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, जिसे प्रचार के लिए उन्होंने लुभावना फोटोशूट कराया है। आपको बता दें कि बिग बॉस के शो में उनकी और उनकी शिष्या जसलीन मथारू के अफेयर की चर्चाएं काफी गर्म रही। दोनों ने शो में प्यार का इजहार भी किया था। उस दौरान बाहर जसलीन के पिता काफी परेशान भी थे। हालांकि शो के बाहर आने के बाद अनूप जलोटा ने कहा कि वो सब उन्होंने शो के क्रिएटिव डायरेक्टर्स के कहने पर किया था। उनका जसलीन के साथ ऐसा कोई झुकाव नहीं है। हालांकि जब जसलीन पारस के स्वयंवर में गई तब भी अनूप जलोटा ने काफी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि पारस जसलीन के लिए ठीक लड़का नहीं है, जसलीन इससे और ज्यादा बेहतर लड़का डिजर्व करती है। आपको बता दें कि अनूप जलोटा के करियर में असली कहानी 70 के दशक में शुरू हुई। उनका एक किस्सा अभिनेता मनोज कुमार के साथ जुड़ा है। अनूप याद करते हैं कि अभिनेता मनोज कुमार ने मेरा गाना सुना था, उन्हें मेरी आवाज काफी पसंद आई थी। उन्होंने सीधा ही ऑफर कर दिया था कि तुम मेरी फिल्म में गाओ। उन्होंने अपनी फिल्म शिरडी के साईं बाबा में मेरा गाना रख दिया। ये फिल्म 70 के दशक के आखिरी सालों में आई थी। फिल्म के गाने भी काफी हिट हुए और फिल्म तो खैर हिट ही हुई। इससे ये हुआ कि संगीत की दुनिया में लोगों ने मेरा नाम जानना शुरू किया। लोगों के मेरी आवाज, मेरा अंदाज पसंद आने लगा। फिल्मों में मेरी गायकी का सिलसिला शुरू हो गया और यहीं से भजन गायकी का दौर भी शुरू हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अनूप जलोटा को भजन सम्राट के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि वो बहुत सारे भजन गाते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से उनकी सोशल मीडिया पर ये दूल्हे अवतार वाली फोटो वायरल हो रही है, उसके बाद आप भी धोखा खा जाएंगे कि कहीं उन्होंने शादी तो नहीं कर ली है। वैसे हम आपको बता दें कि उन्होंने शादी नहीं की है, सिर्फ एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट की वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं तो उसके लिए एक फोटोशूट कराया है। अनूप जलोटा की ये दूल्हे वाली फोटो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा।